तो देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को अगर देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर अपने पास यहाँ से एक 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई यहाँ से, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। देखो, अगर एक मेरे पास कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को अगर मैं एक सोर्स से, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दूँ, यहाँ से कैपेसिटर सी है, एसी सोर्स से यहाँ से कनेक्ट हूँ, इसकी सी अपना दिया हुआ 40 माइक्रोफेरेड। अब 200 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और 50 हर्ट्स जब कभी भी यहाँ कनेक्ट करते हो तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो भी आरएमएस होती है, ठीक है ना? हमेशा याद रखना, जब तक बताएगा नहीं। तो आरएमएस करंट निकालना। देखो, अगर इस सर्किट का तुम्हें जेड तो पता नहीं है, इस सर्किट का तो जो करंट फ्लो हो रही होगी, तो इस सर्किट का जो आरएमएस करंट है, करंट तुम देखोगे, करंट आई आरएमएस अगर इस सर्किट पे लगाओगे तो इस सर्किट का वोल्टेज अपन इस सर्किट का रेजिस्टेंस, इस सर्किट का रेजिस्टेंस दैट एक्स सी होगा। तो इस इक्वेशन में ये वाली चीज़, तो वी आरएमएस तो तुम्हें 200 वोल्ट दिया हुआ, तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता, एक्स सी मतलब जेड कुल मिला के रेजिस्टेंस और तो 1/ωc, और ओमेगा इज इक्वल टू 2/फ्रीक्वेंसी। तो जब इस वैल्यू यहाँ रखोगे तो यहाँ से जो आई आर एम एस दिखेगा वो भी आर एम एस यहाँ से तो अपना आई रहा था, और यहाँ से 1/ωc, ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो 2π फ्रीक्वेंसी और सी, और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई बी आर एम एस। सब कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यू डाल देना, 2.3.14π की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी यहाँ 50 हर्ट्स, और सी जो है यहाँ से 40, और -10^-6 माइक्रो, और बी आर एम एस यहाँ दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो ये पूरा जब सॉल्व कर लो, ये पूरा कैलकुलेट कर लो, देखो ये 5 × 10, ये 100, और ये पूरा 100 बनेगा, तो 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, 4, तो 10^-4, और ये 1 जीरो यहाँ से, 10^-1 यहाँ बचा, और पूरा इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 2.5 एम्पियर आ जाता है। तो यहाँ से 2.5 एम्पियर मतलब सेकेंड ऑप्शन सही आ जाता है।